Hello friends, I am Chanchal and today we will be starting with the next topic of economics for NTA NET exam. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम और इसके अंदर आज हम सिर्फ कार्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है कंज्यूमर बिहेवियर. अब कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है? अब कोई भी कंज्यूमर है उसकी प्रेफरेंसेस एक पॉइंट पर उसकी लाइक्स डिसलाइक्स उसकी इनकम उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर है ना. सपोज करो एक टाइम पर आपको सीसीडी बहुत पसंद था बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू रियलाइज आपकी प्रेफरेंसेस चेंज हुई लाइक्स चेंज हुई इनकम बढ़ी या कुछ भी तो उसकी वजह से क्या हुआ आपको स्टारबक्स ज्यादा अच्छा लगने लग गया. इससे क्या मतलब है कि हमारी प्रेफरेंसेस वगैरह चेंज होती रहती है. इन शॉर्ट हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है. तो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम कब होगा? जब कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिल रही है और वो उस प्राइस पर मिल रही है जिस प्राइस पर सप्लायर भी अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है यूटिलिटी. यूटिलिटी में क्या होता है कि एक कमोडिटी से एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है. सो दैट इज नोन एज यूटिलिटी, राइट? अब यूटिलिटी को मेजर करने के लिए दो अप्रोचेस यूज होते हैं. एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच. तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है कार्डिनल अप्रोच. ऑर्डिनल अप्रोच हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो कार्डिनल और ऑर्डिनल में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि कार्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स. यहाँ पर सेम चीज लिखी है, अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली सच एज 1, 2, 3, 4. लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होगा कि यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल. वो क्या कर सकता है? उसमें अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकता है लेकिन उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर है उसे पेप्सी फैंटा से ज्यादा पसंद है और फैंटा कोक से ज्यादा पसंद है. तो यहाँ पर क्या किया, उसने अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक किया. यहाँ पर हमने उसे न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया. तो जब हम रैंक करते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को तो वो होता है ऑर्डिनल अप्रोच, और जब हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में तो आता है कार्डिनल अप्रोच. अब हम यूटिलिटीज के डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे. सबसे पहले है टोटल यूटिलिटी. तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा कि हमने एक कमोडिटी परचेज करी उससे हमें टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिली. सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेते हैं. हमने एक ब्रिक खरीदी तो हमें उससे मिली 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन. तो दिस इज टोटल यूटिलिटी. अब मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होगा, हमने एक और ब्रिक खरीदी आइसक्रीम की और उससे हमें यूटिलिटी मिली 110 की. तो जो ये एडिशन हुआ है हमारी यूटिलिटी में 10 का, सो दिस 10 इज मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर गुड. तो एडिशनल यूनिट जितनी जितनी अब अगर हम और कंज्यूम करेंगे तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, सपोज यहाँ पर हमें मिली 130 की तो एडिशन हुआ 20 का, तो 20 मार्जिनल यूटिलिटी हुई. उसके बाद अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप क्या है? अगर हम सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा टोटल यूटिलिटी, राइट? अब जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था जो ब्रिक वाला, उसको लिख लेते हैं. हमारे यहाँ पर एक ब्रिक कंज्यूम करने से 100 आ रहा था टोटल यूटिलिटी, उसके बाद सेकंड करने से 110 और थर्ड करने से 130. यहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? फर्स्ट केस में तो वो 100 ही होगी क्योंकि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से यही एडिशनल यूनिट है हमारी. सेकंड केस में हमारी कितनी होगी? 10, और थर्ड केस में 20. तो अब इन्हें ऐड करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 130. और टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की क्या है? 130. सो ये जो है इसका एडिशन इज इक्वल टू टोटल यूनिट. अब ग्राफिकली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशन भी देख लेते हैं. टोटल यूटिलिटी की जो शेप है वो इंक्रीजिंग होगी ऐसे, एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगी. तो अब इन शेप्स के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, तो वो उन रीजंस को हम अभी आगे पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, जहाँ पर मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव हो जाएगी. ऑब्वियसली लेट्स गो टू आवर एग्जांपल न्यूमेरिकल वाला. सपोज करो हमने फोर्थ ब्रिक कंज्यूम करी और हमारी यूटिलिटी आती है 120, तो यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? -10, राइट? तो यही सेम चीज डायग्राम भी शो कर रहा है. और जो पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. ठीक है, ये याद रखना. सो द सेम थिंग्स आर रिटन हियर, यू कैन रीड इट ऑन योर ओन.
अगर कुछ समझना है इसमें तो यू कैन पोस्ट इट इन आर टेलीग्राम ग्रुप. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज assumptions. तो इस अप्रोच के assumptions को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले यूटिलिटी इज एडिटिव. दैट मीन्स अब यहाँ पर हम ऑलरेडी यूटिलिटी को जो है हम न्यूमेरिकल टर्म्स में ले रहे हैं, मतलब कि वन यूटिल, टू यूटिल, थ्री यूटिल. सो दीज कैन बी एडेड. तो हम इससे टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं जो कि हमारी सिक्स यूटिल्स आएगी. ठीक है, सो दैट मीन्स यूटिलिटी इज एडिटिव. सो नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट. तो बेसिकली मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रखी गई है, बट ऑल्दो इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब मनी की मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे जैसे हम और मनी अर्न करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, क्योंकि हमें उससे और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो इट कांट बी कॉन्स्टेंट. देन नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वो हम डिस्कस करेंगे अभी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे गिरती रहती है, इट इज नॉट राइजिंग. राइट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी वो हम कर ही चुके हैं डिस्कस, कि इसमें हम जो है न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड लास्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल. इसका क्या मतलब है कि जिस कॉम्बिनेशन से उसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो सबसे पहले उसे ही खरीदेगा. आगे चलते हैं अब लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी. अब यही रीजन है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी जो उससे यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. अब सपोज करो आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली 10 की, अगर आपने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली 20 की, तीसरी करी तो 30 की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ करी तो आपकी सेटिस्फैक्शन थोड़ी कम हो गई, 20 हो गई, फिर 5 करी तो और कम हो गई, 10, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यू वॉन्ट लाइक द सेम थिंग, है ना. अब कितनी आइसक्रीम्स खा लोगे एक साथ? पहली बार जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है. सेम गोज फॉर वाटर. अब अगर आप बहुत प्यासे हो तो अगर आप पानी पियोगे तो स्टार्टिंग के एक ग्लास में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है सेकंड में अच्छा लगे, बट उसके बाद अगर हम और ग्लासेस कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी गिरती जाएगी. सो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसकी डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट आफ्टर कंज्यूमिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ गुड द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट डिमिनिशेस एज मोर एंड मोर इज कंज्यूम्ड. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं. फर्स्ट इज कि वहां पर एक कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होगी गुड्स की, है ना, कि जैसे अगर हम आज एक आइसक्रीम खाए तो सेकंड भी अभी खा रहे हैं, थर्ड भी अभी खा रहे हैं, फोर्थ भी अभी खा रहे हैं. अगर हम आज एक आइसक्रीम खाएंगे, कल एक खाएंगे, परसों एक खाएंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं गिरेगी, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली साथ साथ खाते जाएंगे तो हमारी यूटिलिटी जरूर गिरेगी. तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल सेम दिया हुआ है. यहाँ पर एप्पल ले रखा है एग्जाम्पल में, दैट एप्पल इज ईटन इन मॉर्निंग एंड देन इन इवनिंग. तो आप रोज रोज उससे पक जाओगे और उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी. Then second assumption is that standard units of commodity are used. So apple will be counted as a whole and not as pieces. अगर pieces में count करेंगे तो marginal utility इतनी जल्दी नहीं गिरेगी. अब हम finally आते हैं कि cardinal approach में हमारा consumer equilibrium कहाँ पर होगा. तो ये होगा अगर हम एक commodity purchase करें और उसको consume करें, तो जब होगा जब हमारी marginal utility जो है वो प्राइस के इक्वल आ जाए. ठीक है, लेकिन अगर हम दो कमोडिटीज कंज्यूम करें तो क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का रेशियो इज इक्वल टू प्राइस का रेशियो. ठीक है, तो ये दोनों जो कंडीशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कहां पर होगा कार्डिनल अप्रोच के अंडर, अगर वो वन कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और अगर टू कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है. तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है. और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डिनल अप्रोच लेंगे. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपकी कोई और वीडियो मिस ना हो आगे वाली. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. थैंक यू सो मच.